देखो, एक तो मोलिना जी जो आपने कहा मैं उसको भी आगे बढ़ाता हूँ कि एक हमें पूरा लाइफस्टाइल, टाइम मैनेजमेंट और कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव लेने होंगे कि हम अपने चारों तरफ एक स्वास्थ्य का, हेल्थ का एनवायरनमेंट बनाए, हैप्पीनेस का एनवायरनमेंट बनाए, हेल्दी ईटिंग्स, हेल्दी लाइफस्टाइल। सुबह उठे तो आपने जैसे कहा कि दौड़ लगा रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं तो कुछ लोग दौड़ के जा रहे हैं, कुछ चल के जा रहे हैं, कुछ साइकिल पे जा रहे हैं। माने जहाँ भी मौका मिले वहाँ चूकना नहीं चाहिए, और उसमें एक्सरसाइज में प्राणायाम और मेडिटेशन को और जोड़ दें। जैसे कोई एक्सरसाइज कर रहा है और फिटनेस के लिए हम तो पोस्चर भी कराते हैं, पीछे झुके तो सांस अंदर भरते हैं, आगे झुकते हैं सांस बाहर छोड़ते हैं। लेकिन यदि हम बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए जैसे हम भुजंगासन करते हैं, तो जब भी पीछे झुके तब श्वास को अंदर भरें, आगे झुके तो श्वास को बाहर छोड़ें। ये तो कुछ ब्रीदिंग के सामान्य रूल्स हैं, इनको हमें फॉलो करना चाहिए। और इसके साथ साथ जब प्योरली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने भस्त्रिका किया है, तो थोरेसिक ब्रीदिंग अप टू डायफ्राम, फेफड़ों में श्वास भरा जाए, न कि पेट की ओर। कुछ लोग ऐसी उल्टी ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे पेट में श्वास भरे रहे। पेट तो खाना खाने के लिए, फेफड़े हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वास लेने के लिए लंग है। तो ऐसे राइट ब्रीदिंग का मेथड ये है कि जब डीप ब्रीदिंग करें तो थोरेसिक ब्रीदिंग अप टू डायफ्राम होना चाहिए, फेफड़ों से हमारा श्वसन होना चाहिए, उसमें चेहरा ना हिले, चेहरा ना बिगड़े और कंधे ना हिले। अब कपाल भाती भी लोग भाती भाती प्रकार से करते हैं, कुछ नीचे से करते हैं, कुछ मूल बंद लगा के करते हैं, कुछ बिना मूल बंद के करते हैं, कुछ बीच से करते हैं, कुछ जो है गले से करते हैं, कुछ कंधों से करने लगते हैं, कुछ मुंडी से करने लगते हैं, मुंडी भाती, कुछ होठों से करने लगते हैं, कुछ तो पूरे हिलने लगते हैं जैसे कोई भूत प्रेत आ गया हो। तो सही तरीके से करेंगे और मूल बंध लगा करके मूलाधार से सस्रार तक अंतर्मुखी होकर के यदि योग करते हैं ना, तो फिजिकल के साथ जो हमारा मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारा आईक्यू लेवल बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात हमारे भीतर एक डिटर्मिनेशन बढ़ता है, एक पागलपना, एक जुनून, एक आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता होने का जो संकल्प है वो जागृत होता है। मोलिनी जी।